हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और ये है सहेलांथ्रोपिस चैंडेंसीज या कह सकते हैं तोमाई। वेल, ज्यादा चौंक के मत देखो, ये हमारा ही पूर्वज है। तोमाई प्राचीन बंदर एक साथ एक समूह में रहते थे और वो कुछ फल फूल तोड़कर अपना गुजारा करते थे। इनमें ज्यादा समझ नहीं होती थी एंड ऑब्वियसली आग जलाना, हथियार का इस्तेमाल करना, ये सब दूर की बात थी इनके लिए। अब दूसरी तरफ ये है एक मॉडर्न ह्यूमन जो बात कर सकता है, आग जला के खाना पका सकता है, फसलें उगा सकता है, अपना घर बंद कर सकता है, युद्ध लड़ सकता है, इंस्टाग्राम चला सकता है और यूट्यूब पे वीडियोस देख सकता है, प्रीटी मच सब कुछ कर सकता है। बट एक मिनट, आखिर कैसे हम ऐसे बन गए? Well, इसका एक शब्द में जवाब दिया जाए ना तो आंसर है द सीकिंग सिस्टम। अब सीकिंग सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप क्यूरियस लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। इसे हमारे बॉडी का एक बायोलॉजिकल मिरेकल यानी कि चमत्कार ही समझ लो, एक ऐसा मिरेकल जो सदियों से हमारे उन बंदर पूर्वजों से पास होकर आज हम तक पहुंच पाया है। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहना क्योंकि आज हम हमारे इसी प्राचीन अतीत में डूब कर जानेंगे कि हमारी इस दिमागी जादू की बदौलत वो कौन सी खोजें हुई, वो कौन से आविष्कार हुए जिन्होंने हमारे बंदर पूर्वजों की पूरी दुनिया ही बदल डाली, उन्हें जंगल के निम्न कोटि से उभर कर बाकी जानवरों से ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान बना डाला और तो और उन्हें विकसित होने पर मजबूर कर दिया। सो हियर वी गो। सो कहानी शुरू होती है कुछ 70 लाख साल पहले, जब सहलांथ्रोपस चेंडेंसिस या कहे तो टोमाई नाम के प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस का एक समूह अफ्रीका के जुराब डेजर्ट में जी जान लगाकर अपने आप को और अपने पूरे समूह को जीवित रखने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था। ये छोटे से बंदर जैसे दिखने वाले जीव एक समूह में रहते थे जिसमें ग्रुप का एक हेड होता था जिसे कहा जाता था अल्फा मेल। ये अल्फा मेल सबसे ज्यादा ताकतवर होता था, बुद्धिमान होता था और जाहिर सी बात है पूरे समूह में इसकी ही सबसे ज्यादा चलती थी, ये ज्यादा डोमिनेट करता था। वो जिस पे चाहे उस पे हमला बोल सकता था, जो भी फल फूल या मांस का टुकड़ा खाना चाहे उसे खा सकता था और तो और समूह में मौजूद जिस भी मादा के ऊपर उसका दिल आ जाए उसके साथ मेट भी कर सकता था। जब तोमाई का एक समूह खाने की खोज में आसपास भटकने लगा तो उन्हें दूर एक पेड़ के पार कुछ दिखा, एक दूसरा तोमाई का झुंड। उसमें मौजूद कुछ महिला तोमाई पर हमारे इस अल्फा तोमाई का दिल आ गया, लेकिन इन्हें हासिल करना इतना आसान नहीं था क्योंकि ये एक दूसरे समूह की महिला थी और उस समूह का अल्फा इनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और विशालकाय था। तो अब हमारे अल्फा मेल के दिमाग में आया एक खुराफाती आइडिया, एक ऐसा आइडिया जो इंसानी इतिहास में एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाने वाला था। उनकी नजर कुछ पत्थरों और कुछ पेड़ों की डालियों पर पड़ी। अब पता नहीं उसके इस छोटे से दिमाग में क्या खिचड़ी पकी, लेकिन उसने इन प्राचीन औजारों को उठाकर उस दूसरे समूह के विशाल अल्फा मेल पर हमला बोल दिया। जबरदस्त झगड़े हुए, मारधाड़ हुई, शोर शराबा हुआ, लेकिन अंत में हमारे ये हथियारधारी तोमाए की जीत हुई और इसने जन्म दिया इतिहास के उस सबसे पहले, सबसे प्राचीन पत्थरों और पेड़ों की डालियों से बने मौत के हथियारों को, एंशियंट वेपन्स को। अब फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप सभी एक्साइटेड होंगे फॉर द रिमेनिंग मैचेस ऑफ T20 लीग। आप लोगों को तो पता ही है मुझे क्रिकेट कितना पसंद है और गेम को एनालाइज करना, और ये करते वक्त मैंने रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया है माई 11 सर्कल ऐप। इसका सबसे यूनिक फीचर जो है ना वो ये है कि आप इसमें लिटरली खेल सकते हो इन चैंपियंस जैसे VVS लक्ष्मण, राशिद खान जैसे लोगों के साथ, और आपको मौका मिलता है कि आप हेड टू हेड इनको फेस कर सको। माई 11 सर्कल में खेलना बिल्कुल ही इजी है। आपको 11 प्लेयर्स पिक करने होते हैं दोनों भी किसी टीम में से और अपनी खुद की टीम बनानी होती है। और अभी तो इंडियन T20 लीग आ रहा है और माई 11 सर्कल पर आपको सबसे बिगेस्ट फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है जितना किसी भी फैंटेसी गेमिंग ऐप पे नहीं मिल रहा, अ प्राइस ऑफ 1 crore rupees। और ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए जो इस ऐप को डाउनलोड करते हैं फ्रॉम द लिंक बिलो। आपको एंट्री मिलेगी मेगा कॉन्टेस्ट में जो आप सिर्फ 1 रुपए में खेल सकते हो। अब 1 रुपया कुछ भी नहीं है, अगर आपका दिन हुआ तो आप बहुत ही बड़ी रकम जीत सकते हो। इसके अलावा और भी प्राइजेस है, अगर आपने राशिद खान के या VVS लक्ष्मण की टीम को हरा दिया तो आप 5x कैश को जीत सकते हो। How awesome is that? और इतना भी नहीं बल्कि आपको वेलकम बोनस भी मिलता है 1500 rupees का। और इस वीडियो को जो भी जन देखता है ना उनको एक्सक्लूसिवली 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा ऑन देयर फर्स्ट डिपॉजिट। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, वहां से इस ऐप को डाउनलोड करो एंड गेस व्हाट, विनिंग्स आर डायरेक्टली क्रेडिटेड टू योर अकाउंट एंड इट इज रियली सिक्योर। हियर आर सम ऑफ द विनर्स हु रिसेंटली बिकेम करोड़पतीज जस्ट बाय प्लेइंग ऑन माई 11 सर्कल ऐप। सो किस चीज के लिए रुके हो भाई लोग, डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन और अपनी खुद की टीम क्रिएट करो ऑन माई 11 सर्कल ऐप। सो फ्रेंड्स, इस दुनिया में अक्सर कुछ ऐसी घटनाएं होती है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड की काया ही पलट कर देते हैं।
इन्हें ऐतिहासिक भाषा में हम टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं। टर्निंग पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो दुनिया को एक अलग ही मोड़ में मुड़ने पर मजबूर कर देते हैं। और हमारे इस तोमाए अल्फा का उन पत्थरों को उठाकर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना एक ऐसा ही टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब ये बंदरों का समूह जंगल में मौजूद बाकी परभक्षियों से ज्यादा आसानी से लड़ सकता था। वो अपने शिकार ज्यादा आसानी से कर सकता था और तो और वो अपने ही प्रजाति के जीवों से तक इसकी मदद से लड़ सकता था और अपने सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा सकता था। वो जंगल का सबसे शक्तिशाली इनविंसिबल राजा बन चुका था, जिसे और कोई भी जानवर हरा नहीं सकता था, सिवाय एक। क्या चीज है ये? कौन सा जानवर है ये? एक बार किसी पेड़ या झाड़ को जकड़ ले, उसे राख करके ही छोड़ता था। समझ गए हो गया? फायर, आग। प्राचीन बंदरों को इसकी कोई समझ नहीं थी। वो अक्सर इसे कोई परभक्षी समझकर इससे दूर भाग जाते थे। अपने समूह को, अपने औजारों को और अपने खाने को इससे दूर रखा करते थे। और इसीलिए जाहिर सी बात है, जब भी ये चमकीला सा परभक्षी एक पूरे के पूरे जंगल को जकड़ लेता था तो उस जंगल से बंदरों का ये समूह अक्सर भाग जाया करता था। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। आज से करीब 20 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्व दिशा में मौजूद टैंजेनिया में हमारे पूर्वजों का एक करीबी रिश्तेदार होमो हैबिलिस रहता था। ये जीव अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था और झुंड में रहता था। एक दिन जब इनका एक समूह शिकार की खोज में अपने झुंड से थोड़ा दूर जंगल में एक्सप्लोर करने लगे, तब उन्हें दिखाई दिया अपना वही पुराना दुश्मन, आग। लेकिन इस बार ना बात थोड़ी सी अलग थी। ये परभक्षी एक पतले से पेड़ के एक छोटे से इलाके तक ही सीमित था। होमो हैबिलिस ग्रुप के अल्फा को लगा कि ये आज अकेला है। आज शायद अगर वो थोड़ी भी हिम्मत दिखाए तो आज अपने इस सालों पुराने दुश्मन को समझ पाएगा और उसे फॉर वंस एंड फॉर ऑल हरा पाएगा। सो वो आगे बढ़ गया अपने पूरे होश और जोश में आग से लड़ने के लिए। लेकिन फिर एक बहुत ही विचित्र सी चीज हुई। उसने देखा कि ये आग का एक छोटा सा अंश उसकी लकड़ी में आ गया था, जिस लकड़ी से वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। इस आग से अब वो दूसरी और कोई भी लकड़ी को जला सकता था, ट्रांसफर कर सकता था उस चीज को किसी और लकड़ी में, और उसे जब चाहे बुझा भी सकता था। और तो और लकड़ियों का ढेर लेकर उन्हें जलाकर अंधेरे में उजाला पा सकता था। फिर होना क्या था, इनका ये बरसों पुराना दुश्मन आज इनका दोस्त बन गया था। और ये था इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर। अब होमो हैबिलिस आग की मदद से क्या नहीं कर सकता था। वो रात में इसे जलाकर रोशनी पा सकता था, पर भक्षियों से बच सकता था, इसमें अपना खाना पकाकर उसे बड़े ही आसानी से खा सकता था। और तो और सिर्फ दोपहर में ही नहीं बल्कि अब वो रात में भी शिकार कर सकता था। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक खोज थी और इसने इन बंदरों की जिंदगी का जैसे नक्शा ही बदल दिया। पका हुआ खाना खाना मतलब शरीर की बहुत ही कम ऊर्जा का इस्तेमाल होगा उसे पचाने में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में, जिसे हमारे पेट के लिए पचाना आसान होगा। और ये सारी बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल अब हमारा शरीर हमारे दिमाग को विकसित करने की ओर लगा सकता था, शिकार करने की ओर लगा सकता था और हमें सर्वाइव कराने की ओर लगा सकता था। अब इन्हीं सारी चीजों का, हथियारों का, वॉर का, आग की खोज करने का, इन सारी चीजों का वजूद सिर्फ एक ही चीज के वजह से हो पाया था, और वो था हमारे दिमाग का जादुई सीकिंग सिस्टम। सीकिंग सिस्टम हमारे दिमाग का वो भाग है जो हमें एक्सप्लोर करने के लिए, क्यूरियस बनाने के लिए और नई नई चीजें ट्राई करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए मोटिवेट करता है, हमें प्रेरित करता है और हमें रिवॉर्ड भी करता है जब भी हम कोई नई खोज करते हैं, विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फील गुड न्यूरोट्रांसमिटर्स लाइक डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। और क्या आपको सही में लगता है कि हमारी ये नई नई चीजों को निरंतर ट्राई करने की आदत के बिना हम हमारे एवोल्यूशन के ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट्स को हासिल कर पाए होते? ऑब्वियसली नॉट, राइट? वेल, कहा था ना मैंने, ये सीकिंग सिस्टम ने लिटरली हमें बंदरों से इंसान बनने पर मजबूर किया। तो चलो अब वापस आते हैं हमारे प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस पर, जिनकी प्रजाति अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, फलने फूलने लगी थी। और आज से करीब 3 लाख साल पहले आज के मॉडर्न ह्यूमंस का जन्म हुआ, होमो सेपियंस, जैसे हम इन्हें साइंटिफिक भाषा में कहते हैं। ये असल में हमारे पूर्वज थे जिन्होंने उस समय की कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करके अपने आप को बंदरों से एक इंसान में विकसित कराया, जबकि उनके बाकी के रिश्तेदार जैसे नियंडरथॉल्स, होमो हैबिलिस, होमो हाइडलबर्गेंसिस, होमो अर्गास्टर तो इस क्रूर प्रकृति का सामना नहीं कर पाए और विलुप्त हो गए। ये होमो सेपियंस बहुत ही होशियार और शातिर थे। इनका दिमाग बाकी सभी जानवरों से ज्यादा विकसित था और इसीलिए इनमें क्यूरियोसिटी भी कूट कूट कर भरी थी, जिज्ञासा अपने आसपास के वातावरण को जानने की।
जिज्ञासा अपने इस छोटे से इलाके से बाहर झांकने की, एक्सप्लोर करने की और नए नए एक्सपीरियंसेस करने की। अगेन, ये हमारा ब्रेन का सीकिंग सिस्टम एकदम हाईली डेवलप हो चुका था, लेकिन ये सारी दिमागी शक्तियों के बाद भी हमारे ये प्राचीन रिश्तेदार अब भी हंटर्स और गैदरर्स ही थे। यानी ये आज भी अपना पेट पेड़ पौधों से फल तोड़कर या जानवरों का शिकार करके ही भरते थे। और जाहिर सी बात है, एक ही इलाके में अगर आप बार बार शिकार करोगे, वहां के फल फूल खाओगे, तो एक ना एक दिन वो इलाका बंजारा तो हो ही जाएगा। और अब आपको अपना पेट पालने के लिए और खुद को भूखमरी से बचाने के लिए एक दूसरे इलाके में डेरा डालना पड़ेगा। और इन्हीं कारणों की वजह से अब होमो सेपियंस अफ्रीका से माइग्रेट करके एशिया के तरफ बढ़ने लगे थे। और फिर इसके करीब 1.5 लाख साल बाद आया पूरे विश्व का एक और एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। मिडिल ईस्ट में इराक, सीरिया, इसराइल, जॉर्डन, इजिप्ट जैसे जगहों में डेरा बसाए हुए ये मॉडर्न ह्यूमंस ने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। गेहूं, जौ, मटर, चने जैसे बेसिक फसल अब हम उगाना सीख चुके थे। और फ्रेंड्स, ये हमारे इंसानी सभ्यता के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत थी, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें हमारे विलुप्त पूर्वजों की तरह हंटिंग और गैदरिंग करने की जरूरत नहीं थी। हम अब बंजारों से बदलकर एक ही जगह पर डेरा बसाने वाले जीव बन चुके थे। और इससे पहले हंटिंग और गैदरिंग के दौर में इंसान उसके साथ जंगल में मौजूद बाकी दूसरे जानवरों से खुद को अलग नहीं मानता था, वो खुद को इनका ही एक भाग मानता था और उनसे डरता था, उनकी इज्जत करता था। लेकिन अब जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद आया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इस दौर में हम इन बेजुबान जानवरों को अपनी जायदाद समझने लगे। हमारे पास शक्ति थी और उससे ज्यादा हमारे पास बुद्धि थी, और इसके बल पर हम भेड़, बकरी, गधे, घोड़े, मुर्गी, कुत्ते जैसे जानवरों को अपनी मुट्ठी में कैद करके अपने हिसाब से नचा सकते थे, उनसे अपना मनचाहा काम करवा सकते थे, और तो और उनका दूध, अंडा और यहाँ तक कि उनका मांस तक खा सकते थे। अब इंसानी सभ्यता का एक ऐसा दौर आ चुका था कि होमो सेपियंस वाकई में मॉडर्न ह्यूमंस बन चुके थे। उसने कई सारे आविष्कार रचे थे, जैसे कि पॉटरी, कॉपर स्मेल्टिंग, वीविंग, लेदर टैनिंग एटसेट्रा। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में भी हम काफी आगे बढ़ चुके थे। डेंटिस्ट्री का जन्म हो चुका था, हम अल्कोहल फर्मेंटेशन सीख चुके थे, और तो और पहियों का तक आविष्कार हो चुका था जिसने ट्रैवलिंग को इजी बनाया। सो इट इज नाउ सेफ टू से कि मॉडर्न ह्यूमंस वाकई में मॉडर्न हो चुके थे। लेकिन हमारे इस रंगीन इतिहास में अभी भी एक टर्निंग पॉइंट आना बाकी था। ये एक ऐसा दौर था जिसने हमारी इंसानी सभ्यता को काफी हद तक एकजुट करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। इस दौर में कई आविष्कारों का, कई कलाओं का और कई तकनीकों का जन्म हुआ था। सभ्यताएं बनी, ग्लोबल व्यापार होने लगा, लोगों की धन संपत्ति बढ़ने लग गई, और ये सबको एक मेजर पुश दिया हमारे इसी टर्निंग पॉइंट ने, द ब्रॉन्ज एज, जिसमें सिविलाइजेशंस बनी, अर्बन सिटीज बने, कम्युनिटीज पॉलिटिकली कनेक्ट हुए, और देखते ही देखते आज हम उनको चंद पीतल के टुकड़ों से ग्लोबल अफेयर्स तक आ पहुंचे हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके करेंसी तक सब कुछ अच्छे से प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड है। अब ब्रॉन्ज से इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमारी जर्नी कैसी थी, ये अपने आप में एक अलग ही स्टोरी है, जो मैं काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आप इसके आगे की जर्नी भी जानना चाहते हो, आप क्यूरियस हो, आपके दिमाग का सीकिंग सिस्टम भी ओवर टाइम काम कर रहा है, तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना और मैं वो पार्ट भी आपके लिए हाजिर करूंगा। सो फ्रेंड्स, द मॉरल ऑफ द स्टोरी ओवर हियर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव थ्रू दिस वीडियो, कौन बोलता है कि इंसान जन्म से ही क्यूरियस नहीं होते, कौन बोलता है कि हमें नॉलेज ग्रहण करने का शौक नहीं होता, कौन बोलता है कि एजुकेशन और नॉलेज बोरिंग होता है। मे बी एजुकेशन सिस्टम की वजह से रटा रटा के रट रट के हमें ऐसा लग रहा है कि पढ़ना बोरिंग होता है, बट असल में आप अपने अंदर जाको, कोई तो एक ऐसी चीज होगी, कोई ऐसा पैशन, कोई आपका इंटरेस्ट जहां पर आप घंटों तक रिसर्च कर सकते हो बिना थके, और आप कॉन्स्टेंटली उसी के बारे में सोचते रहते हो, बात करते रहते हो, रीड करते रहते हो। वेल, वो आपका सीकिंग सिस्टम है जो एक्टिव है। और ऐसे में बस यही कहूंगा कि सीकिंग सिस्टम बहुत ही पावरफुल होता है, और उसमें शक्ति होती है आपके विकास कराने की, आपको इवॉल्व कराने की टू योर बेटर सेल्फ। अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल के सिर्फ साइंस को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, कि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस नहीं करोगे। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले माई 11 सर्कल एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। क्रिकेट खेलो एंड विन रिवॉर्ड्स। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।